हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ मैथ, माई सेल्फ अजय कुमार गिरी, आपका मैथ्स मेंटर। और क्लास ट्वेल्थ में आज टॉपिक हमारा चलेगा मैथ्स के अंदर चैप्टर वन रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन हम कर चुके हैं और आज फंक्शन की बारी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन करें, सेशन हम दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, सभी स्टूडेंट में दिखाई दे स्क्रीन पर, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स आए जल्दी से, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेंथ का भी पढ़ा दीजिए। टेंथ का लिख रहा है स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट, टेंथ और नाइन्थ का भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप इसी चैनल पर आइएगा, ये आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है केवीएस का, केवीएस आरओ दिल्ली लाइव के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पर जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको टेंथ के सारे वीडियो मिल जाएंगे। टेंथ के ही नहीं, नाइन्थ के भी कंप्लीट हमने वीडियो बनाए, उसमें फुल कोर्सेज चल रहे हैं और लगभग सभी में दो दो चैप्टर्स हो चुके हैं। तो अगर कोई भी छोटे भाई बहन आपके हैं नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, उनको बताइएगा कि इसी चैनल पर आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद में चैनल के फर्स्ट पेज पर नहीं दिखाई देगा, जहां होम पर वीडियोस पर नहीं दिखाई देगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमने अपलोड किया है नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, इन सभी के वीडियो लेक्चर हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी में भी हैं। फेसबुक में हम देख रहे हैं कि थोड़ी क्वालिटी का इशू रहता है, कभी कुछ गड़बड़ है, कभी कुछ गड़बड़ है। देखिए मैं देख लेता हूँ यहाँ भी, मैं एक और मोबाइल में कि आप लोग और सभी स्टूडेंट को बोलिए जल्दी फटाफट आ जाएं, हम एक मिनट के अंदर क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ ये कल का आ रहा है, ये तो सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाएं। कम ऑन स्टूडेंट्स, 63 स्टूडेंट प्रिंस, केवी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। किसी को भी केवी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार बताया गया है केवी का नाम ना लिखें और पर्सनल चैट भी ना करें। एक दूसरे को जवाब नहीं देना है, आपको कमेंट्स करने हैं। देखिए थोड़ी देर बाद हमारे पास ये आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ देखिए आ गया है, मैं देख पा रहा हूँ 63 मेरे सामने है। आप शुरू करते हैं, ठीक है। 65, 67, यस केबीएस आरओ दिल्ली नोज यू आर हेयर। केबीएस आरओ गोज लाइव नेक्स्ट। नितिन माहेश्वरी नमस्कार सर, बस क्लास को भी स्टार्ट कर रहे हैं एक मिनट के अंदर। अपने स्टूडेंट्स को बोलिएगा कि जल्दी से आ जाएं, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज गला बहुत ख़राब है, हो सकता है वॉइस क्लियर ना आए। स्टूडेंट्स यूट्यूब पर लाइव करिए सर प्लीज़, फेसबुक में बहुत दिक्कत होता है। अनिकेत हम जानते हैं फेसबुक की दिक्कत आ रही है, हम भी जानते हैं यूट्यूब पर इससे ज़्यादा आसान है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यूट्यूब पर भी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। हमने कई प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे जिससे कि हम यूट्यूब पर आए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला गया था और आपने सभी ने सब्सक्राइब भी किया यूट्यूब का चैनल दिल्ली रीजन केवीएस वाला चैनल, और उसमें 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हुए। हाँ नितिन सर 77 है, बस स्टार्ट करते हैं, लेकिन YouTube पर लॉकडाउन की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए Facebook प्लेटफॉर्म पर हैं। हम बहुत जल्दी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है या YouTube की टीम काम करना शुरू करती है तो हम जल्दी YouTube पर लाइव आएंगे या और भी जो अच्छा माध्यम होगा उस पर आएंगे। जब तक हमको कोई और सही माध्यम नहीं मिलता है तब तक हम यहीं पर हैं। अच्छा रिया पूछ रही है सर इफ़ 1 2 2 1 1 1 देन इट ट्रांसटिव, नहीं ये ट्रांसटिव अब भी नहीं है रिया, ये ट्रांसटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक तरह से देख रहे हैं
देखो पहले ले लेते हैं हम ये कल का क्वेश्चन है। ये रिया ने पूछा है क्वेश्चन, एक ये एक रिलेशन है ये 1 2 2 1 और 1 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का, ये फर्स्ट एक 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ये नहीं था और हमें पूछा गया था कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिप में, तो हमने देखा था 1 2 2 1 सिमेट्रिक तो है, फिर बात आई ट्रांसटिप, ट्रांसटिप नहीं है क्योंकि 1 2 1 का 2 से कनेक्शन है, फिर 2 का 1 से है और फर्स्ट और लास्ट आपके दिखाई दे रहे थे कि 1 1 1 1 यहाँ होता तो शायद ट्रांसटिप होता है, ऐसा सोच रहे थे हम लोग। हमने इसके अंदर डाल दिया 1 1 1 1 डाल दिया तो क्या ये ट्रांसटिप हो गया? स्टूडेंट जो हम सोच रहे थे उसके हिसाब से लग रहा है, लेकिन हमें पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना है इसको। आप अभी एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, आप इसको मान रहे हैं ये ए है ये बी है, इसको मान रहे हैं ये बी है ये सी है, और अब तब आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि ए सी, तो ए और सी कौन से हो आपके 1 और 1 1 1 यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन ये एक तरीका है चेक करने का, हमें हर तरीके से देखना है इसमें। अगर हम ऐसे सोचें कि 2 1 पहले है, 2 1 है यहाँ पर, फिर 1 2 है, तो ये ए बी है, मैं बोल रहा हूँ 2 1 को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 2 1 से, ये ए बी है, ये बी सी है 2 से 1 1 से 2, और अब हमें ए और सी में रिलेशन चाहिए, तो क्या हुआ आपका ये 2 2, तो 2 2 यहाँ पर नहीं है, 2 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ट्रांसटिप नहीं है। हमें हर तरीके से चेक करना है, ऐसे भी देखना है, यहाँ से स्टार्ट किया ये ए बी एंड बी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में हमें ए सी 2 2 यहाँ नहीं मिलता है। हाँ अगर 2 2 डाल दिया जाए तब ये ट्रांसटिप है, तो इस समय क्या है ये नॉट ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिप नहीं है। लेकिन अगर आर अगर हम कर दें इसमें क्या 1 2 1 2 2 1 1 1 एंड 2 2, अब ये ट्रांसटिव है स्टूडेंट्स, अब ये ट्रांसटिव है, अब ट्रांसटिव है। रिया क्लियर हुआ आपका डाउट ये? रिया क्लियर हुआ आपका डाउट ये? रिया रिस्पॉन्स नहीं कर रही है इस समय। अब चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन शुरू करने से पहले हम देखें एक बार, रिकॉल करें कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। 1.1 में हमने बात की थी रिलेशन की, रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर रिलेशन ए सेट में डिफाइन किया गया है तो वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का, और ए से बी में डिफाइन किया गया है तो इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 12th में पढ़ा था इसका टाइप्स ऑफ रिलेशन, दूसरा हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिलेशन 1.2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये 1.2 था, और आज का टॉपिक है 1.3 फंक्शन। फंक्शन स्टूडेंट फंक्शन के बारे में कोई आइडिया, फंक्शन होता क्या है? हाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये चल नहीं रहे हैं रिया, हाँ रिया को समझ में आ गया है, देखें जरा आगे। देखिए अब भी बहुत सारे स्टूडेंट अपने केवी का नाम लिख रहे हैं, स्टूडेंट केवी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार मना किया गया केवी का नाम नहीं लिखना है आपको। देखिए शुरू करते हैं स्टूडेंट फंक्शन, फंक्शन के लिए बारे में देखें जरा, मैं एक फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ए सेट है और ये बी सेट है। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन हमारा रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। रिलेशन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। रिलेशन का स्पेशल टाइप बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिलेशंस पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो फंक्शन बन जाता है। रिलेशंस पे अगर दो कंडीशन को रिलेशन फुलफिल कर रहा है तो वो फंक्शन कहलाएगा। वो दो कंडीशन कौन सी हैं कि पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उन एलिमेंट्स की पहले सेट्स के एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी रिलेशन फुलफिल करता है तो रिलेशन क्या है, फंक्शन कहलाएगा। अगर ये 1 2 3 ए बी सी, 1 goes to 2 goes to this स्टूडेंट, यहां आपके सामने एक दिया हुआ है, एक रिलेशन है आपके सामने, ये आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, हमें हमें बताना है क्या ये फंक्शन भी है कि 1 ए
और 1B, 2C, केवल इतना दिया हुआ है। ए से बी में एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है यहां पर, और आपको बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है, क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है। बोर्ड हाँ पूरा नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, जितना भी दिखाई दे रहा है देखिएगा जरा, बोर्ड मुझे हाँ दिखाई दे रहा है सारा का सारा। स्टूडेंट देखें यहां पर ये एक रिलेशन तो है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, केवल वो रिलेशन फंक्शन होते हैं जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी दो कंडीशन? पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन एलिमेंट्स की इमेजेस सेकंड सेट के अंदर उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो यहां देखें पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहले वाले सेट्स के, नो, वेरी गुड आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में, क्या ये जो सामने दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये इज नॉट ए फंक्शन, आर इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। फंक्शन की पहली शर्त क्या थी हमारी, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, यहां पर पहले सेट्स के एलिमेंट्स हमारा 3 है जो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो पहली शर्त फेल, फंक्शन नहीं है। अब दूसरा देखें, वन की इमेज क्या है, वन की इमेज ए है और वन की इमेज बी भी है। दूसरी कंडीशन ये थी कि इन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन भी फेल हो रही है कि वन की इमेज यूनिक नहीं आ रही है, दो इमेज आ रही है, वन गोज टू ए, वन गोज टू बी, वन की दो इमेज है, तो दोनों कंडीशन पहले फेल होता है, यह फंक्शन हो ही नहीं सकता। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन क्या है, ए फंक्शन f such that a tends to b is a rule, is a rule which associate, which associates every element, ध्यान दें स्टूडेंट यहां पर, every element of set a, ये पहली कंडीशन है आपकी, ये कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। फंक्शन एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रूल है जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है, किससे, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करता है, टू यूनिक, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन क्या होता है, ए से एक फंक्शन दे रखा है आपको, ए फंक्शन एफ such that a tends to be is a rule, एक रूल है, which associates every element of set a, ये पहली कंडीशन है, to unique element of set b, ये दूसरी कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कहलाएगा। ये क्लास 11 हमने पढ़ा था, और इसके डोमेन, तो अगर कोई फंक्शन होगा पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे, तो पहले सेट के सारे कनेक्ट हैं तो उसका डोमेन क्या होगा, कंप्लीट सेट a। हर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पहला सेट ए होता है, फर्स्ट सेट, क्योंकि फंक्शन होने की शर्त पहली ये है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, कनेक्ट हैं तो पहला वाला जो सेट देखा है तो वो हमारा क्या होगा, डोमेन ही होगा उसका, उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। और रहा रेंज क्या होती है, पहले की तरह फंक्शन रिलेशन की तरह रेंज क्या होगी, सेकेंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स वो रेंज होंगी, ये फंक्शन नहीं है। अब देखें हमारा क्लास 12th में क्या दे रखा है, क्लास 12th में हमें फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, यहाँ दिया हुआ है 1.4, हम पॉइंट वाइज बात कर रहे हैं, ऐसी 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, 1.1, 1.2, 1.3, अब आता है 1.4, 1.4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब देखें फंक्शंस तो हमने पढ़ लिया, आपके कितने टाइप के हैं, फंक्शंस को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, फंक्शन को हम कैटेगराइज किया है दो तरीके से देख सकते हैं कि उसके डोमेन के बेसिस पर और इसके जो कोडोमेन है उसके बेसिस पर, उन दोनों के बेसिस पर हमने उसको फंक्शन को कैटेगराइज किया है। आपने नाम सुना होगा वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब उसके नाम हैं फंक्शंस के, और इन्हीं पर बेस हमारा क्वेश्चन आता है, 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है, वो हम क्वेश्चन आज करेंगे। थोड़ा रिकॉल कीजिए कि वन वन, मैनी वन और ऑन टू, इन टू, ये चार टाइप हैं और इनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, डोमेन के बेसिस पर और आपका रेंज के बेसिस पर। देखें जरा
देखें स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला फर्स्ट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन स्टूडेंट, वन वन फंक्शन को बोलते हैं हम इंजेक्टिव। एक नया नाम और भी है फंक्शन के टाइप्स में, मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर, ये भूमिका, के वी शालीमार बाग, ये कौन लिख देता है बार बार ये, अरे पता है शालीमार बाग से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कोई लिखने की जरूरत नहीं आपको किसी को भी। यहां देखिए जरा, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। एक नया नाम और भी है इसका, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मींस वन वन। कोई फंक्शन वन वन का होगा जब वन वन एक एक से कनेक्ट हो। कैसा होगा ये, एक एक से कनेक्ट हो। ये ए सेट है, ये बी सेट है, वन टू थ्री ए बी सी। अगर एक ये से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और यहाँ पर डी भी है ऐसा, तो अभी क्या है, ये फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन होने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं और इन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक है। कैसे लिखते हैं इसको, ये कि एफ वन इजकल टू ए, एफ टू इजकल टू बी, एफ थ्री इजकल टू सी। मैं देखता हूं कि ये अब विजिबल है या नहीं है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है इधर का ये, तो इसको यहां देखें जरा, एफ वन इजकल टू ए, एफ टू इजकल टू बी एंड एफ थ्री इजकल टू सी। तो हम देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरी बात क्या थी हमारी, इनकी इमेजेस यूनिक है। वन की एफ इमेज ए, टू की एफ इमेज बी, थ्री की एफ इमेज सी, डी बेचारा अकेला रह गया, रह सकता है सेकंड सेट में, अकेला रह सकता है, बिना जुड़ा हुआ रह सकता है, फर्स्ट सेट में नहीं रह सकता, क्योंकि फंक्शन होने की पहली शर्त यह थी विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी इमेजेस यूनिक है। फंक्शन तो है, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बात करें तो वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। इसका मतलब क्या, एक एक से कनेक्ट हो, तो एक एक से कनेक्ट है, एक एक से कनेक्ट है, एक एक से कनेक्ट है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये एक एक से कनेक्ट है। अब दूसरा हमारा क्या है, मैनी वन, वन वन और मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो, मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या हुआ, इस तरह का ए बी, वन टू थ्री, और यहां ए बी सी, वन गोज टू ए, दिस गोज टू दिस, ये आपका फंक्शन है आपका, और थ्री गोज टू सी। सपोज फंक्शन है एफ वन, एफ वन, तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एफ एफ वन, वन की वैल्यू ए है, एफ वन टू की वैल्यू भी क्या है, इसकी इमेज भी कितनी है, ए है, और एफ वन थ्री की इमेज है सी। ध्यान से देखें, दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहे हैं, दो दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन, और यहां क्या था, वन वन, वन वन, ये वन वन था, ये क्या है आपका, मैनी वन, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहे हैं। जब बहुत सारे एक से कनेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे, चलो इस फंक्शन को वन ही लिख दें हम, ये तो कंफ्यूजन होगा आपका, एफ वन भी ए है और एफ टू भी ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ वन और एफ टू दोनों सेम है, दोनों किसके इक्वल हैं, ए के इक्वल हैं। ऐसा कब होता है, जब फंक्शन क्या हो, मैनी वन हो। अगर फंक्शन मैनी वन है तो ऐसा होगा, कैसा होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एफ इमेज सेम होगी। ये अब भी फंक्शन है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहां तो बोल दिया था कि फंक्शन नहीं है जब एक दो से कनेक्ट हो रहा था, तो ये फंक्शन नहीं है, वन टू थ्री ए बी सी, ये ए है, ये बी है, वन गोज टू दिस और वन गोज टू बी, अगर ऐसे दे रखा है तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन की क्या है, दो इमेज है, वन की दो इमेज है, हमारी डेफिनेशन को वायलेट करता है, डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे रूल हैं। अगर आप देखें ध्यान से कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर एक रूल है, एक फंक्शन है, एक्स के प्लेस पर वन रखेंगे तो वन स्क्वायर वन आएगा, एक्स के प्लेस पर माइनस वन रखेंगे तो भी क्या आएगा, वन ही आएगा। आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, एफ माइनस वन और एफ वन की वैल्यू सेम है इस फंक्शन में, इस फंक्शन के द्वारा वन और माइनस वन दोनों एक से कनेक्ट होंगे, तो दो एक से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा फंक्शन होता है, दो एक से कनेक्ट हो सकते हैं, और पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो फंक्शन तो है, लेकिन कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन, मैनी वन, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एक एक से कनेक्ट हो रहे हैं।
तो ये क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो डोमेन को देख के किया है, केवल हम डोमेन को देख रहे हैं, ए सेट्स को देख रहे हैं, ए सेट्स को देखकर हमने क्लासिफिकेशन किया है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात की है, केवल डोमेन को देखकर ए सेट्स में, ए सेट्स में एलिमेंट्स अगर एक एक से कनेक्ट हो रहा है, डिफरेंट एक एक से कनेक्ट हो रहा है तो फंक्शन कैसा है, वन वन, दो या दो से ज्यादा एक से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहे हैं तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन, वन वन मैनी वन। ये क्लासिफिकेशन हमारा किस पर आया है, ए सेट के बेसिस पर, कि ए के एलिमेंट्स कैसे हैं, अगर एक एक से कनेक्ट होता है तो वन वन, बहुत सारे एक से कनेक्ट होते हैं तो मैनी वन। ऐसे ही हम सेट बी को देख कर भी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो दो अलग तरह के फंक्शन आते हैं, कौन से, ऑन टू और इन टू, ऑन टू और इन टू, उसको देखते हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक चीज हमारी और भी है, इस पर ध्यान दें कि वन की एफ इमेज और टू की एफ इमेज सेम थी, तो ये कब होता है आपका, मैनी वन। ये मैनी वन का कॉन्सेप्ट लेकर ही हम वन वन प्रूफ करते हैं, वन वन की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें मैनी वन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अरे भाई देखें स्टूडेंट्स, तो ये डोमेन को हमने सेट ए को, सेट ए के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया अभी फंक्शन का, सेट ए के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हमें क्या मिल गया। अरे ये नहीं मानोगे सारे स्टूडेंट, ये सभी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये सभी बच्चे अपने नाम नाम के साथ एक केबी का नाम लिख रहे हैं, किसी को केबी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये अमन बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा मैंने सेटिंग की है, इससे ज्यादा नहीं दिख पा रहा है, जितना नहीं दिख रहा है उसको हम छोड़ देंगे। देखें आ रहा नहीं आ रहा आपका, ये मैं भी देख लेता हूं, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए जरा, तो ये तो हमारा ये था, अब इसकी वन वन की डेफिनेशन देखिए, वन वन की डेफिनेशन हमने कहां से चुराई है, यही मैनी वन के कॉन्सेप्ट से। मैनी वन में क्या होता था, दो एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, वन और टू, वन और टू की एफ इमेज सेम थी, और इसकी डेफिनेशन अगर यहां जाके देखें मैनी वन वन में, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाइजेक्टिव दिखाते वक्त में, कि अगर क्या हो, एक्स वन एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, दो एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू हम लें डोमेन के, ऐसे कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू हो, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, यहां पर है एफ वन भी ए है और एफ टू की वैल्यू भी ए है, तो यहां पर है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। तो वन वन के अंदर भी मैनी वन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, और दिस इज इंप्लाइज एक्स वन इजकल टू एक्स टू। इस बात को समझिए क्या लिखा है, ये वन वन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन सेट ए सच दैट एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू। एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट्स लिए हैं जिनकी एफ इमेज को उन्होंने जबरदस्ती क्या किया, इक्वल रख दिया। जबरदस्ती जब इक्वल रखने की कोशिश की जा रही है तो उनके दिमाग में चल रहा है कि दो एलिमेंट्स एक से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई किया, दिस इज इंप्लाइज क्या निकल के आ गया कि एक्स वन और एक्स टू दो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, वो सेम है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, एक्स वन एक्स टू भी सेम है, उससे प्रूफ हो जाता है कि मैनी वन नहीं है। ये मैनी वन नहीं है करके हम बताते हैं कि वन वन है। वन वन दिखाने का तरीका है कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे और बता देंगे कि एक्स वन इजकल टू एक्स टू अभी आएगा। तो ये तो हमने एक क्लासिफिकेशन किया मैनी वन 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 का हमने डोमेन को देखकर, ऐसे हमारा होता है आपका सेट ए को देखकर, सेट बी को देखकर भी हमारा क्लासिफिकेशन है, उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू और इन टू। देखें जरा उसको भी। अब आता है हमारा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड आपका आ गया ये ऑन टू, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऐसी ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब, और हम ये क्लासिफिकेशन किस पे कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन आपका सेट बी को देखकर किया जा रहा है। सेट ए को देखकर हमने देखा था कि अगर एक एक से कनेक्ट है तो वन वन, और अगर दो एक से कनेक्ट है, तीन एक से कनेक्ट है, तो सेट ए को देख के बता रहे हैं हम ये तो मैनी वन। यहां पर बता रहे हैं हम ये कि ऑन टू में क्या होगा, आपको सेट ए नहीं देखना है, सेट बी देखना है। सेट बी के अगर सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं तो ऑन टू, और सारे कनेक्ट नहीं होते तो इन टू। बहुत आसान है, ए बी वन टू थ्री, ए बी सी, अगर ये ऐसा है, इस तरह से है, इस तरह दिखा है, तो आप देखिए सेट ए को नहीं देखना, सेट बी को देखना है। सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहां मौजूद है,
कभी ना किसी ना किसी नंबर से कनेक्टेड है। वन की प्रीम इज वन, ए की प्रीम इज वन है, बी की प्रीम इज टू है, सी की प्रीम इज थ्री है। कोई भी एलिमेंट यहां पर बिना जुड़ा हुआ नहीं है। अगर बिना जुड़ा हुआ एलिमेंट नहीं है तो फंक्शन कैसा है ये, ऑन टू, क्यों बिना जुड़ा नहीं है। अगर इसके अंदर क्या आ जाए, एक हम छोड़ दें ऐसे, ये ए है ये बी है, वन टू थ्री ए बी सी डी देश देश, ये भी ऐसा हो सकता है, और यहां पर दो एलिमेंट छूट गए हमारे, तो अब ये कैसा है, अगर दो एलिमेंट छूट गए तो फंक्शन कैसा है ये, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और ये आपका है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम सेट बी को देख रहे हैं, हमने फंक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया सेट ए को देखकर, सेट बी को देखकर। सेट ए को देखा, अगर एक एक से कनेक्ट है वन वन, सेट ए, और अगर बहुत सारे एक से कनेक्ट है मैनी वन। सेट बी में देखा सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं ऑन टू, कुछ एलिमेंट्स कनेक्ट नहीं रहते हैं, कुछ बचे रह जाते हैं। सेट ए में तो रह ही नहीं सकते, अगर रह गए तो फंक्शन ही नहीं होगा। सेट बी में रह सकते थे, अगर रह जाते हैं तो इन टू, नहीं रहते हैं तो ऑन टू। तो ये चार तरह के फंक्शन हो गए, और कोई फंक्शन अगर वन वन ऑन टू हो तो ये कमाल का फंक्शन होता है, क्योंकि ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स भी फाउंड आउट कर लेते हैं, और बाकी फंक्शंस का इनवर्स नहीं निकालते हैं। इसको हम अच्छे से डिटेल में इनवर्स जो फंक्शन जब चलेगा तब दोबारा से इन्हीं चीज़ों को जो हमने अभी डिस्कस किया है इसको फिर दोबारा से अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो 4 मार्च का क्वेश्चन आएगा और 6 मार्च का, उसको वहाँ क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, वहाँ आपको दिया जाएगा कि आपको बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वन वन था और ऑन टू था। फोर्थ आपका क्या है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो हमारा नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कैटेगरी और भी डाल के कि बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव है। वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, अगर वन वन ऑन टू है तो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब देखें इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्टूडेंट बहुत आसान है। हमने टारगेट 60 के अंदर दिया है, सबसे पहला टॉपिक यही दिया है और 10 क्वेश्चंस दिए हैं, हम उन्हीं को करने जा रहे हैं। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, शायद यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आज या कल मैं उस पर भी चैनल पर दे दिया जाए। और जो आपका अजय मैथ्स क्लिनिक है इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन ये भी अपडेट बाकी है। स्टूडेंट 1-2 दिन लगेंगे, ये सारे आपको क्वेश्चंस आपकी गूगल फॉर्म में भी मिलेगा, और इस ये जो टारगेट 60 का लिंक है ये भी आपको वहाँ मिलेगा। देखें जरा अब क्वेश्चंस पेपर में कैसे आएंगे उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में है टारगेट 60, टारगेट 60 है, और यहीं से हम देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, पहला ही टॉपिक हमारा टारगेट 60 का पहला रिलेशन फंक्शन है। 4 और 6 मार्च में क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम स्टूडियो टाइप है, आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अभी 10 में से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी जो बच जाएंगे उनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने और मॉडिफाई किया और भी इजी किया है, और ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी को नहीं उठाया हमने। ये रिलेशन फंक्शन पहला ही हमारा क्या है, ये MLL से हमने लिया है ये रिलेशन फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, so that f such that r tends to r given by fx is equal to, यहां दिया हुआ है ax plus b, हम इसको भी और इजी कर लेते हैं 2x plus 3। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, यहां पर 2 और 3 रियल नंबर्स हैं और a 0 नहीं है, a is not equal to 0 is a बाइजेक्शन। स्टूडेंट देखो ये बोर्ड में पूछा गया है, शायद 2012 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। बाइजेक्शन लिखा हुआ, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपको ये दे रखा है और हमें बताना है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव कब होगा, जब वन वन ऑन टू होगा।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बाइजेक्टिव प्रूव कीजिए, जो हम करके दिखा रहे हैं 1112 वही करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल भी तब होगा, ये हम अगले अगले टॉपिक में कल की क्लास में लेंगे कि वो अगर जब 1112 हो, अगर 1112 है तो इनवर्टिबल होगा। तो क्वेश्चन में अगर बाइजेक्टिव पूछा जाए, इनवर्टिबल पूछा जाए, तो आपको 1112 दिखाना है, और दिखाने का तरीका बहुत आसान है स्टूडेंट। थोड़ा बेसिक्स हमने भी समझने की कोशिश की है, जो आधा तिहाई आपको समझ में आ रहा है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। देखें जरा, अब देखें इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे आप। ये लास्ट एग्जाम्पल तो मैनी वन, हाँ स्टूडेंट ये मैं बताना भूल गया, लास्ट एग्जाम्पल जो था हमारा था अभी जो फिगर बना रही थी वो मैनी वन भी था और इनटू और ऑन टू की बात भी वहाँ चल रही थी, उसको हमने पूरा हमने क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। यहाँ देखें हम यहाँ कर सकते हैं, या देखें छोड़ दें इसको। ये ए ये बी, 1 2 3 ए बी सी, स्टूडेंट देखें जरा ये इतना आएगा भी नहीं, थोड़ा छोटा छोटा बना लें। ये ए ये बी, अब देखो जरा फंक्शन स्टूडेंट, ये यहां से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये ए ये बी, 1 2 3 ए बी सी डी, स्टूडेंट देखें जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, मैं भी देख लेता हूँ क्लियर, ये कई बार नेट की दिक्कत भी आती है, क्लियर मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेते हैं भाई, अब शायद दिखाई दे, हाँ अब ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमने चार फंक्शन लिए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चार फंक्शन आपको बताना है। फर्स्ट हमारा कैसा है स्टूडेंट, जरा आंसर दीजिए। सर बोर्ड इज नॉट विजिबल, अब दिखाई दे रहा है सर, क्वालिटी बहुत खराब है, वाकई में क्वालिटी बहुत खराब है, बोर्ड नॉट क्लियर है, अब जितना भी दिखाई दे रहा है मैंने अब सेट किया है दोबारा से, आप देखिएगा ये फंक्शन दे रखा है, इसको बेस आपको बताना है, चार तरह के फंक्शन देखे थे, चारों के कॉम्बिनेशन करके हमें बताना है कि फंक्शन 1-1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसको जो 4 मार्क्स हमारे पेपर में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा, ये एक फंक्शन है, किस फंक्शन हमारा कौन सा है, ये F1, ये है F2, ये है F3, और यहां पर हम देख लें क्या, ये F4, इस तरह से F1, F2, F3, आपको बताना है कि F1 फंक्शन हमारा कैसा है, 1-1 है, मैनी 1 है, इन 2 है, ऑन 2 है, इसमें मैं देख रहा हूं F1 कौन सा है, 1-1 पूरा बताया, कंप्लीट करके बताना है आपको, ये 1 and 2 1-1 on 2, 1 and 2 1-1 on 2, 2 हमारा 1-1 on 2 नहीं है स्टूडेंट्स, केवल हमारा ये देखा है दो, एक से कनेक्ट है, एक से कनेक्ट है, तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 1-1 1-1, और सेकंड सेट के अंदर कोई भी बिना जुड़ा एलिमेंट्स नहीं है, बिना जुड़ा एलिमेंट्स नहीं तो क्या होता है आपका, on 2 1-1। तो पहले तो बात कर रहे हैं हम 1-1 और मैनी 1 की, बड़ा आसान होता है, अलग अलग कर रहे हैं, मैनी 1 और 1-1, एक से कनेक्ट है तो 1-1, ये भी क्या आपका एक से कनेक्ट है तो ये भी क्या होगा आपका 1-1, यहां पर देखें दो एक से कनेक्ट है, 1 ए से कनेक्ट है, 2 ए से कनेक्ट, तो फंक्शन कैसे हो गया आपका, ये मैनी 1, और यहां भी दो एक से कनेक्ट है तो क्या हो गया आपका, ये मैनी 1। अब इस देखिए कि अब बात आती है हमारी क्या, 1-1 on 2 1-1 और मैनी 1 हो गया, बात आती है ऑन 2 और इन 2 की, तो अगर इसमें सेकंड सेट को देखना है आपको, जब ऑन 2 और इन 2 की बात करते हैं हम सेकंड सेट को देखकर, मैनी 1 और 1-1 की बात करते हैं फर्स्ट सेट को देखकर, इसमें अगर कोई बिना जुड़ा एलिमेंट्स नहीं है जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है तो फंक्शन कैसा है, ऑन 2, बिना जुड़ा नहीं है तो फंक्शन कैसा है, ऑन 2, बिना जुड़ा रह गया तो इन 2,
अगर डी डी हमारा है जो किसी से कनेक्ट नहीं है, अगर एक एलिमेंट रह जाता है, एक या एक से ज्यादा रह जाते हैं, तो फंक्शन कैसा है, इन टू। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा बना, ये वन वन इन टू, ये बना वन वन ऑन टू, ये बचा मैनी वन, बिना जोड़ा रह गया तो क्या हो जाएगा आपका ये इन टू, और ये क्या हो गया आपका ये ऑन टू ऑन टू, ये थे ठीक है। एफ थ्री इज मैनी वन, स्टूडेंट आप आधा आंसर दे रहे हैं, मैनी वन इन टू, एफ थ्री इज मैनी वन इन टू फंक्शन। अब कुछ लोग वन वन ऑन टू बोल रहे हैं, लेकिन आपको बताना है ये एफ वन है, ये एफ टू है, ये एफ थ्री है और ये एफ फोर है, इनको देख के बताना है। इसमें पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस को। अभी एफ वन, एफ वन आप सभी ने बता दिया है, चलिए एफ थ्री, एफ थ्री हमारा क्या है, मैनी 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 वन, और यहाँ कुछ बिना जोड़ा रह गया तो क्या इन टू, एफ थ्री आपका है मैनी वन इन टू। इसमें देखें फर्स्ट हमारा जो रखा है वन वन ऑन टू, अगर वन वन ऑन टू है तो इसके इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे। इन्वर्स फंक्शन कोई अफलातूनी चीज़ नहीं होती, इन्वर्स का मतलब सीधा होता है कि एफ वन फंक्शन ए सेट से बी सेट में डिफाइन किया गया है, और इन्वर्स का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो बी से ए में डिफाइन किया गया हो। इसे डिफाइन का मतलब क्या हुआ, एफ वन के लिए हमारा ए सेट क्या है, डोमेन है और ये कोडोमेन है। जब हम एफ वन के इन्वर्स की बात सोचना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डोमेन और ये कोडोमेन। इधर से इधर बात करनी है हमें, फिर इधर से इधर बात करेंगे तो ये डोमेन, तो ये पहला सेट, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, फंक्शन होने की पहली शर्त, और इनकी इमेज क्या है, इनकी इमेज भी आपकी यूनिक है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ वन इन्वर्स एग्जिस्ट। और जबकि यहां पर बात करेंगे तो यहां पर देखें, यहां से सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे, डी आपका बिना जोड़ा रह गया, तो एफ टू इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ टू इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां से इसके इन्वर्स की बात करेंगे, यहां से यहां बात करेंगे तो ये कुछ एलिमेंट्स बिना जोड़े रह जाते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां सारे कनेक्ट हैं लेकिन एक ही दो इमेज आ जाएंगी, तो इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्वर्स केवल इसका एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन में पूछा जाता है हमारा कि वन वन ऑन टू बताइए, तो आपको यही करना जो हम कर रहे हैं। बाइजेक्टिव पूछा जाए तो ये बताना आपको ये कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इन्वर्टिबल बताना है तब भी आपको ये करना है, क्योंकि इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन वन वन ऑन टू हो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताना है आपको बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स वन वन ऑन टू बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट वन वन, वन वन कैसे दिखाते हैं, वन वन लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू पहला वाला सेट, पहला वाला सेट हमारा कौन सा है आपका, ये आर से आर में, तो ये हो गया आपका ये डोमेन आर, सच दैट एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू। अच्छा मैं ही दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां देखिए एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन की वैल्यू आएगी कहां से, यहां से आएगी, एफ एक्स वन की वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू यहां से निकालनी है आपको, कितनी आएगी ये 2x1 + 3 इक्वल, एफ एक्स टू की वैल्यू यहीं से निकाल के आनी है आपको, ये 2x2 + 3 हमने वैल्यू यहां से निकाल ली है। अब देखें जरा 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें क्या दिखाना है, हमें वन वन दिखाने के लिए दिखाना होता है एफ एक्स वन इसको एफ एक्स टू लेके चलते हैं, मैनी वन का कॉन्सेप्ट हम यहां लेके चल रहे हैं, ये कि एक्स वन और एक्स टू दो मेंबर हैं और उनकी एफ इमेज क्या है, सेम है, तो ऐसा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेने का मतलब क्या, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, मैनी वन का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, लेकिन पता लगता है कि एक्स वन एक्स टू क्या है, इक्वल है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, अगर हो जाएगी तो मैनी वन हो जाएगा। वन वन दिखाने के लिए हमें क्या निकल के आना चाहिए कि एक्स वन एक्स टू दो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x1 = x2, ये प्रूफ हो गया आपका, ये यही हमें दिखाना होता है, एफ एक्स वन स्क्वायर एक्स लेते हैं और ये दिखा दिया, तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है एफ इज वन वन। और अब आगे दिखाना हमें ऑन टू, देखिए ऑन टू भी ऑन टू को समझिए, ऑन टू कब था हमारा फंक्शन, ये से ऑन टू था, ऑन टू कब होता है जब सेकंड सेट में कोई भी बिना जुड़ा हुआ एलिमेंट्स ना रहे। तो हम इस बात को कैसे दिखाएंगे कि कोई भी बिना जुड़ा हुआ नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, सारे के सारे सेकंड सेट के ए पहले वाले सेट्स के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, इस बात को कैसे दिखाएंगे, इस बात को दिखाते हैं हम इस तरह से। देखें स्टूडेंट्स ये आपका ये भी आर है और ये भी आर है,
यहाँ एक आर्बिट्री एलिमेंट्स लेते हैं, हम तो सबको दिखा नहीं सकते, हम क्या कहते हैं सबके प्लेस पर एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं वाई, जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दिखाते हैं कि वाई की प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है, इस वाई के लिए यहाँ पर एक एक्स मौजूद है। कोई भी वाई, कोई भी इस सेट का सेकंड सेट का एलिमेंट बिना जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा अगर हम प्रूफ कर पाए तो प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन ऑनटू है। और अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो लिखना बहुत आसान है, आप स्टेप्स को लिखिएगा और बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ऑनटू, ऑनटू कैसे करते हैं, लेट वाई बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन आर, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं रब कर लेते हैं। देखें जरा, आज स्केच पेन भी सारे खत्म हो गए। अब देखें जरा कैसे दिखाना है आपको। हमने एज्यूम कर लिया कि यहां पर एक आर्बिट्री एलिमेंट्स वाई है और इस तरह से है सच दैट यहां ले लें हम जरा कि सच दैट वाई इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स, और वाई इजकल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये 2x प्लस 3। स्टूडेंट देखो, इसमें एक चीज़ और भी है कि हमें इसमें इसकी रेंज निकाल के दिखानी होती है। अब ध्यान से देखें, x हमारा क्या है, x रियल नंबर है, x रियल है तो रियल का अगर 2 times करेंगे तो क्या आएगा, वो भी रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर में प्लस 3 करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर आएगा, और सारे के सारे रियल नंबर हमारे इसमें भी हैं और यहाँ भी हैं, तो हमें ये दिखाना होता है। लेकिन तो बिना दिखाए भी आप इसको क्वेश्चन को पूरा ऐसे कर सकते हैं। अब इसको समझ लें पहले स्टेप्स को कि हम कर क्या रहे हैं, मैं दोबारा फिर से बताऊंगा। y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है। कैसे होगा ये, 3 को उठा के दिलाइए तो ये y माइनस 3 इजकल टू 2x, तो x इजकल टू आ गया y माइनस 3 अपॉन 2, तो क्या निकल गया, x इन टर्म्स ऑफ y निकल के आ गया। अब ध्यान से देखिए जरा कि ये है क्या, y क्या था आपका, y आपका यहाँ पर था, y एक रियल नंबर है, y सेकेंड सेट का मेंबर था, y एक रियल नंबर है, और रियल नंबर से अगर हम 3 माइनस करेंगे, रियल नंबर से 3 माइनस करेंगे रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर को उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी एक रियल नंबर आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, एक रियल नंबर है, और सारे रियल नंबर हमारे यहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं, तो सारे रियल नंबर यहाँ भी हैं, तो ये एलिमेंट्स कहाँ पर होगा, ये डोमेन आर में, इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, इस y के लिए यहां पर एक एलिमेंट्स मौजूद है, कितना मौजूद है, y माइनस 3/2। ये y अकेला नहीं है, इस y के लिए यहां पर पहले वाले सेट में y माइनस 3/2 मौजूद है। y माइनस 3/2 की f इमेज y है और y की प्री इमेज y माइनस 3/2 है, y अकेला नहीं है, y जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं है तो क्या है, ऑनटू है, x इज इक्वल टू आ गया, बिलोंग्स टू कोडोमेन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर, इसी तरह से फॉर एवरी वाई, हर वाई के लिए यहां पर एक एलिमेंट्स मौजूद है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, कोडोमेन आर देयर एग्जिस्ट ए नंबर x इन डोमेन आर such that fx is equal to y, केवल इतना दिखाना होता है, या फिर इसको तो आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग दिखाते भी हैं ये, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ ऐसे दिखाने की कि fx, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं इस चीज़ को, और अगर छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, fx is equal to y हमने जो लिख दिया डायरेक्ट एक साथ, उसको आप दिखा सकते हैं कि f of x, x के प्लेस पर क्या है आपका y माइनस 3/2, और y माइनस 3/2 एफ ऑफ दिस हमें निकालना है, अभी इसकी वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, ये यहीं से निकाल दीजिए, आप ये रख दीजिए यहाँ पर, कितना आएगा आपका ये ट्वाइस y माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया y माइनस 3 प्लस 3 इजकल टू वाई,
ये दिखा दी, ये और नहीं भी दिखाते हैं तो भी चलेगा, इस आपका नंबर आपको तब भी मिल जाएगा अगर एफ एक्स कोड वाई लिख दिया है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि एफ इज ऑन टू, एफ कैसा है ऑन टू है, सिंस सिंस हमारा एफ कैसा है वन वन और ऑन टू है तो एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। इस वन देखें जरा दोबारा से देखें, इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखें, मैं दूसरा मार्क कोई कम कर चल के नहीं दे रहा, थोड़ी देर चलते हैं फिर गौर करते हैं, ये देखते हैं शायद ये चल रहा है। इस वन देखें एक बार फिर से देखें, 104 स्टूडेंट्स पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, अब आ गया ठीक है, इनटू वाला समझ में नहीं आया, ऑन टू वाला समझ में नहीं आया, अब कोई जरूरत नहीं है समझने की, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखिएगा आप, क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप बहुत इजी क्वेश्चन में लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 इस तरह का एक फंक्शन दिया जाएगा जो आर से आर में दे रखा है, जिसका पहला सेट भी आर है दूसरा सेट भी आर मीन्स रियल नंबर्स का सेट है, डोमेन और कोडोमेन दोनों हमारे रियल नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं हम, बाइजेक्टिव का होगा जब वो फंक्शन वन वन ऑन टू हो, तो यहाँ दिखाया हमने वन वन और फिर यहाँ दिखाया हमने ऑन टू, कैसे दिखाते हैं, वन वन का मतलब दो एलिमेंट्स हमने एज्यूम कर लिया एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट्स लिए हैं, इस तरह से एलिमेंट्स लिए हैं कि उनकी एफ इमेज को हम सेम मान के चल रहे हैं, ये हम सच दैट खुद लेके एज्यूम किया हमने, लेट एज्यूम किया है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ऐसा जब हम एज्यूम करके हैं क्योंकि दो अगर एक से कनेक्ट हैं, बहुत सारे एक से कनेक्ट हैं, मैनी वन बहुत सारे एक से कनेक्ट है तो फंक्शन मैनी वन होगा अगर प्रूफ हो जाए ऐसा तो, लेकिन इसमें आता नहीं है ऐसा क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमने आगे ये दिखाया है कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल हैं, दोनों सेम एलिमेंट्स की एफ इमेज तो इस तरह से इक्वल हो सकती है, दो डिफरेंट की नहीं हो सकती, इसे प्रूफ हो जाता है ये वन वन है। एफ एक्स वन देखें, एफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दी, एफ एक्स टू वैल्यू यहाँ रख दिया, एक्स की वैल्यू से एक्स टू रख दिया यहाँ रख दिया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, फिर टू से टू कैंसिल हो गया, आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मार्क्स लेना तो इसमें बहुत आसान है, यहाँ देखिए फंक्शन आपको ऐसे दिया जाएगा, आपको क्या लिखना होता है लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कोडोमेन पहला वाला सेट ए सेट, यहाँ एक आर सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल के यहाँ रख देनी है, एफ एक्स टू वाली यहाँ से डाल के यहाँ रख देनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है और क्या निकालना है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, टू एक्स वन से टू एक्स टू, टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि एफ इज वन वन, प्रूफ हो गया। अब ऑन टू दिखा रहे हैं हम, ये ऑन टू कैसे दिखाएंगे, लेट वाई बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर, हमने मान लिया कि ये पहला सेट ये दूसरा सेट, दूसरे सेट में एक एलिमेंट्स वाई है, हमें पता नहीं है कि बाई अकेला नहीं है, वाई के लिए यहाँ पर वाई माइनस थ्री अपॉन टू मौजूद है, बाई अकेला नहीं है, अगर ऐसा दिखा पाए तो ऑन टू हो जाएगा, और फंक्शन अगर वन वन ऑन टू है तो फिर बाइजेक्टिव है, इनवर्टिबल भी है, तो हमने मान लिया इसमें एक वाई एलिमेंट्स है, और इस तरह से है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू फिर से रख दी 2x+3 जो दे रखी है हमें क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कुछ और दे रखी होगी, अब ये देखो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दो इसको चेंज करना है किसमें, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको चेंज करना है आपको किसमें, ये एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो आगे पीछे किया एक्स को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ वाई, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, वाई एक रियल नंबर था इस सेट्स में है यहाँ पर, तो यहाँ सारे रियल नंबर होते हैं, तो वाई भी एक रियल नंबर है, एक आरबीटी एलिमेंट था, रियल नंबर होगा, और रियल नंबर माइनस थ्री रियल नंबर, रियल नंबर डिवाइड बाई टू रियल नंबर, तो ये सारी क्वांटिटी क्या है, रियल नंबर है, तो y माइनस थ्री, अगर y यहाँ पर है तो y माइनस थ्री अपॉन टू रियल नंबर है, वो यहाँ भी होगा क्योंकि सारे रियल नंबर तो यहाँ भी रहते हैं, तो यहाँ पर क्या मौजूद है y माइनस थ्री अपॉन टू, तो हर y के लिए यहाँ पर y माइनस थ्री अपॉन टू मौजूद है, कोई भी y इसमें बिना जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमें इसी बात को लिखना होता है, फॉर एवरी y कोडोमेन R के अंदर जो भी आर्बिट्री एलिमेंट्स y है उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए नंबर x इन डोमेन R, डोमेन R में एक नंबर मौजूद है such that एफ एक्स इक्वल टू वाई। सुजाता मैम एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ इज ऑन टू, और उसके बाद हमने दिखा दिया, दिखाना चाहते ये दिखा सकते हैं, अब लास्ट में लिख देंगे क्या, सिंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू सो एफ इज बाइजेक्टिव, अगर इसमें पूछा जाता इनवर्टिबल तब भी आप यही करते और फिर लास्ट में लिख देते इनवर्स, और एफ का इनवर्स क्या आएगा, एफ का इनवर्स
एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/2, यही इन्वर्स होता है। ये हम अगली क्लास में कल बात करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को दो और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ये हमने सबसे आसान क्वेश्चन लिया था, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, अब देखें जरा इसमें, देखें स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आपके असाइनमेंट्स का, ये असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट ए इक्वल टू आर माइनस 2 एंड बी इक्वल टू आर माइनस 1 कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ए से बी में फंक्शन है, किस तरह दिया गया है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, और x आपका 2 नहीं है, ये हमने पहले निकाल रखा है, 1 भी नहीं है। और बताना है आपको क्या, सो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2 एंड फाइंड f इनवर्स। स्टूडेंट ये हमें निकालना है, f इनवर्स ही फाइंड आउट करना है इसमें, तो एफ इनवर्स निकल के आता है हमारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ हो रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए कैसे करेंगे सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वही तरीका हमारा है। फर्स्ट में क्या दिखाते हैं आप, ये एफ इज 1 1 दिखाते हैं यहाँ पर। 1 1 कैसे दिखाते हैं, लेट एक्स 1 एक्स 2 बिलोंग्स टू पहला वाला सेट कौन सा है आपका, ये ए टू बी है, ए डिफाइन कर रखा है जिसमें कि हमारा 2 नहीं है, ए सच दैट एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2। अब एफ एक्स 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपको दिया हुआ है फंक्शन, एफ एक्स 1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपको, कितना आएगा ये एक्स 1 माइनस 1 ओवर एक्स 1 माइनस 2, एफ एक्स 2 की वैल्यू यहीं से आएगी निकल के, एक्स 2 माइनस 1 ओवर एक्स 2 माइनस 2। और क्या करना है आपको, इनको सॉल्व करना है और कैसे करके लाना है, एक्स 1 इजकल टू एक्स 2। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें मल्टी यहाँ होगी तो आएगा ये एक्स 1 माइनस 1 एक्स 2 माइनस 2 एक्स 2 माइनस 1 एक्स 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, इसकी मल्टी यहाँ होगी तो क्या आएगा ये एक्स 1 एक्स 2 माइनस का 2x1 माइनस एक्स 2 प्लस का 2 इक्वल, इसके यहाँ करेंगे एक्स 1 एक्स 2 माइनस 2x2 माइनस एक्स 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स 1 एक्स 2 से एक्स 1 एक्स 2 कैंसिल, तो क्या आ गया ये माइनस का 2x1 और यहाँ से आएगा ये प्लस का एक्स 1 माइनस 2x2 प्लस एक्स 2, तो ये आ गया आपका x1 माइनस एक्स 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स 1 इजकल टू एक्स 2, एक्स 1 इजकल टू एक्स 2 निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया है आपका एक्स 1 इजकल टू एक्स 2, और ये जैसे निकल के आता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये मीन्स एफ इज 1 1। ऐसे ही हमने पहले दिखाया था, ऐसे आगे दिखा रहे हैं, और ऐसे 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, इस वक्त नहीं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो 1 1 दिखाने का तरीका वही है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ऑन टू कैसे दिखाते हैं, लेट दो, इसको ध्यान से देखें, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये वाई है, ये सेट ए है, ये बी है, फॉर एवरी वाई, हर वाई के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट्स मौजूद है, फॉर एवरी वाई, हर वाई के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट्स मौजूद है, हमें ऐसे दिखाना है ये। देखिए स्टूडेंट्स कैसे दिखाते हैं, लेट वाई बी एनी
आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रिया इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की बात हम करेंगे, हमारा सेकंड चैप्टर है और ये हम ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया ये दोबारा फिर से डिस्कस होगा, इनवर्स के साथ में डिस्कस होगा। इनवर्स भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है, बहुत सीधा सा समझना है। एफ फंक्शन जो दे रखा है, जो पहले वाले ए सेट से बी सेट में डिफाइन किया गया है, उसका इनवर्स क्या होता है, वो बी सेट से ए सेट में डिफाइन किया जाता है, बस इतना समझना है इनवर्स में। लेट वाई बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, रख जाइए y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ये x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पर ये क्या लिखा है y इन टर्म्स ऑफ x, हमें की पॉइंट को ध्यान रखना है। अब इसको चेंज किस में करना है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो कैसे होगा ये, इसके अंदर यहाँ जाके हो जाएगी तो वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। फिर हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x कॉमन ले लिया तो y माइनस वन और ये 2y माइनस वन, तो कितना आ गया आपका ये x की वैल्यू आ गई है 2y माइनस वन अपॉन y माइनस वन, ये निकल के आया x की वैल्यू। और अब ध्यान से देखें ये कहाँ होगा, ये आपका सेट A में है, क्यों है ये, क्योंकि y देखें y एक रियल नंबर है और रियल नंबर का टू टाइम्स करेंगे रियल नंबर, उससे वन माइनस करेंगे रियल नंबर, उसको डिवाइड करेंगे y माइनस वन से, जबकि y की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं कि वन नहीं है, तो क्या हुआ ये भी एक रियल नंबर है और सारे रियल नंबर हमारे सेट वन में रहते, सेट ए में रहते हैं। सेट ए में क्या है, बस टू नहीं है, वन है टू नहीं है, तो सेट तो ये जो क्वांटिटी निकल का ये कहाँ होगी, सेट ए में होगी। तो हर वाई के लिए यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, हर वाई के लिए यहाँ निकल के आ रहा है टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वाई बिना जुड़ा हुआ नहीं है, उसका एक साथी मौजूद है पहले वाले सेट ए में। जो हमने सेकंड सेट वाई लिया, सेकंड सेट में वाई एक एलिमेंट लिया है, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को, और उन सारे एलिमेंट्स को वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस वाई के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट्स कौन सा मौजूद है, टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, ये मौजूद है। और यही क्या है, इनवर्स है, वो क्या होता है इस सेट से इस सेट में, यही आपका इनवर्स है। तो कैसे दिखाएंगे, इसको लिखना होगा आपको, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू y b यानी आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ सेट b बिलोंग्स टू सेट b देयर एग्जिस्ट ए नंबर x इन a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, तो ये प्रूफ हो गया कि f इज ऑन टू, फंक्शन कैसा है ऑन टू है, सिंस f इज वन वन एंड ऑन टू, सो f is bijective, bijective, f is invertible, f कैसा है, f bijective भी है, f invertible भी है, और f का inverse कितना है, f inverse y, हमने वैल्यू निकाल लिखी है, ये x इसको दे, ये क्या आपका f inverse y है, ये तो 2y minus 1 upon y minus 1, f का inverse आ गया आपको, ये हम जब पूछा जाता है f inverse ही पूछा जाता है, तो function जो होता है वो वेरिएबल से फ्री होता है, दो एफ एक्स नहीं बोलते हैं कभी फंक्शन को, कोई फंक्शन एफ एक्स नहीं होता है, फंक्शन तो एफ होता है, एक्स से फ्री है, एक्स वहाँ वेरिएबल है, जो वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, वो फंक्शन एक रूल है, एक मशीन है जो कहीं भी लगेगा, एक्स ऑफ एक्स पर भी अप्लाई होगा, वाई पर भी, वाई एक एलिमेंट्स है और वाई हमारा क्या वेरिएबल है, तो फंक्शन फ्री होता है एक्स और वाई से, तो इसलिए यहाँ पर एफ इनवर्स वाई या एफ इनवर्स एक्स नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पूछा था एफ इनवर्स बताइए, तो आपका आ गया एफ इनवर्स वाई, हमने वाई में आंसर दे दिया। कोई हमसे पूछता है कि भाई एफ इनवर्स एक्स बताइए, तो हाँ वाई के प्लेस पर एक्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। देखें जरा यहाँ पर एक बार फिर से देखें, स्टूडेंट्स केवल दो मिनट में क्लास को खत्म करते हैं, टाइम हमारा हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चन की लिस्ट आपको मिल जाएगी, असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा, मैंने बताया कि इसी चैनल पर हम इसको आज शाम तक इसको अपलोड कर देंगे, इसी चैनल पर, फेसबुक वाला जो नाम है आपका, इसी चैनल का यूट्यूब चैनल भी है KVS RO रीजन का, KVS RO दिल्ली लाइव वन के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर जाएंगे जी अपलोड कर दूंगा, ये टारगेट 60 है, यहाँ सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
और यहीं प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारे मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कोई बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको ऐसे करने हैं। फंक्शन आपको ये दे रखा है, मैं बताना है कि 1 1 1 2 बताइए, इन्वर्टिबल बताइए, बाइजेक्टिव बताइए, सब करने का तरीका है कि हमें 1 1 बताना है और 1 2 बताना है। 1 1 कैसे बताएंगे, फंक्शन दिया जाएगा 1 1। हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट मान लेते हैं पहले वाले सेट ए में, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये मान के चल रहे हैं, ये मान के जब चल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये ए ये बी, ए के दो एलिमेंट्स लिए हैं x1 x2, ए के दो एलिमेंट लिए हैं और ऐसे लिए हैं कि वो क्या हो, fx1 इज इक्वल टू fx2 हो, मतलब उनकी एफ इमेज क्या है, सेम है। और अगर ऐसा है तो ये मैनी वन हो जाएगा। तो ये मैनी वन का कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलते हैं, लेकिन आगे जाके क्या पता लगता है कि ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एलिमेंट्स सेम हैं, तभी उनकी एफ इमेज सेम हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की एफ इमेज सेम हो जाए तो फंक्शन मैनी वन नहीं हो, तो फंक्शन मैनी वन होगा, 1 1 नहीं हो सकता। और यहां पर यह आ जाता है, क्या दिखाना होता है इसको, fx1 की वैल्यू उठाकर यहां रख दी, fx2 की वैल्यू कैसे, यहां x के प्लेस पर x2 रख दिया, यहां रख दिया, x के प्लेस पर x1 रख दिया, यहां रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की और क्या निकालना है, x1 इक्वल टू x2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सॉल्व किया, जितना कट पिट जाता है दोनों तरफ काट पिट करते चले जाओ, x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो क्या हो गया आपका, कि दो जो एलिमेंट्स हमने लिए थे जिनकी एफ इमेज सेम हमने मान के चल रहे थे, वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं हैं, वो दोनों एलिमेंट्स सेम हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये मैनी वन नहीं है, हम बता रहे हैं कि मैनी वन नहीं है, डेफिनेशन भी ऐसे दे रखी है कि अगर ये ऐसा होगा तो मैनी वन होगा, अदरवाइज 1 1। तो प्रूफ हो गया आपका 1 1 है। ऑन टू में क्या दिखाते हैं कि सेकंड सेट में कोई बिना जुड़ा हुआ एलिमेंट्स नहीं है, तो ऑन टू को इस तरह दिखा दिया, सेम ऐसे दिखाते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो क्लास का टाइम हमारा हो गया है, तो इन क्वेश्चंस को करिएगा, सारे क्वेश्चंस को, और इसी तरह से लाइव आते रहिएगा जब तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन आज बढ़ा दिया है मोदी साहब ने, तो उसका पूरा पालन कीजिएगा, घर में बैठ के तैयारी कीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिला हुआ है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा, उस दिमाग को दिमाग से निकाल दीजिएगा जो आपके दिमाग में चलता रहता है कि 11 महीने का सिलेबस 11 महीने में करेंगे, सिलेबस को आप अभी 3 महीने में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डेली क्लास चले हमारी, हमारी अगर डेली क्लास चलती तो 50 से 60 क्लास के अंदर सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 50 से 60 क्लास में। तो अगर 60 क्लास का होंगे 60 दिन, थोड़े दिन आप भी लगा लें दोबारा रिवाइज करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 दिन, लगभग 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और जल्दी से आप शुरू हो जाए और ख़त्म कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।